पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिन मंगलवार को देवप्रयाग में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने बुधवार यानी आज वो देवप्रयाग पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ रावत लगभग 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव को प्रभावितों को अनुमन्य सहायता जल्द उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, बीते दिन मंगलवार को देवप्रयाग में बादल फटा था, जिसके बाद काफी नुकसान वहां पे हुआ है। हालांकि एक बड़ी अनहोनी होने से करीब, लेकिन पैदल पुलिया सहित कई दुकानों और IIT की बड़ी इमारत इसमें ढह गई है, बता दें आपको, जिसको लेकर काफी नुकसान वहां पे बताया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने ग्राउंड जीरो से वहां का जायजा लिया और जो प्रभावित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और हर संभव उन्हें मदद देने का भरोसा दिया है। वही आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक विनोद कंडारी, जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव, SSP भी मौजूद रहे। और जानकारी आपको दे दे लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में देवप्रयाग में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ रावत लगभग 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच चुके और उन्होंने वहां पर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव उन्हें सहायता देने का भरोसा दिया है। बता दें आपको, IIT के भवन सहित लगभग 10 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं, नगर में बस अड्डे की ओर जाने वाला रास्ता और पैदल पुलिया भी बह चुकी है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र देवप्रयाग में पहुंचकर वहां पर जायजा लिया, प्रभावित लोगों से बातचीत की और हर संभव उन्हें मदद देने का भरोसा दिया है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बड़ा नुकसान वहां पे हुआ है, हालांकि किसी के जान की हानि वहां पे नहीं हुई है, लेकिन IIT के भवन सहित लगभग 10 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, नगर से बस अड्डे की ओर जाने वाला रास्ता और पैदल पुलिया भी पूरी तरीके से बह चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक विनोद कंडारी, जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव और SSP सभी मौका मुआयना करने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की है और हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। जी विनोद जी, एक बड़ी अनहोनी होने से टली है देवप्रयाग में, लेकिन काफी नुकसान भी वहां पे बताया जा रहा है। IIT के भवन सहित लगभग 10 दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, आपने वहां का जायजा लिया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ हालात वहां पे बने हुए हैं? आज मैं कल वहां पर एक घंटे के अंदर पहुंच गया था और वहां पर जो एक नगर पालिका का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 12-13 दुकानें थी, वो सारी पूर्ण रूप से ध्वस्त हुई है जी। और वहां पर एक पलटा IIT चलता था जी, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त है। वहां पर एक पैदल पुलिया थी, वो मुनिया पूरी ध्वस्त हो चुकी है जी। और कल मौके पर ही SDRF की टीम वहां पर पहुंच गई थी जी। और आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी, आपदा मंत्री जी और कृषि मंत्री जी भी स्वयं उस स्थान पर होटल में अभी मौसम गिरे जी। बिल्कुल विनोद जी, और IIT के भवन सहित लगभग 10 दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, कई लोगों को आर्थिक नुकसान इससे हो रखा है, तो उन लोगों को क्या कोई मुआवजा भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल आदेश दे दिए, जो सरकारी मानक है जो भी लाभ इनको दिया जा सकता है सरकार पूरा करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कंडारी जी आपका हमारे साथ संवाद 365 में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ प्रशासन के तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं, मौका मुआयना वो कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों से बातचीत कर हर संभव उन्हें मुआवजा देने का भरोसा दे रहे हैं। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देवप्रयाग पहुंचे और वहां पे उन्होंने जायजा लिया। फिर से एक बार आपको बता दें, बड़ी अनहोनी होने से टली, लेकिन पैदल पुलिया सहित कई दुकानें, IIT की बड़ी इमारत इसमें ढह चुकी है और हालांकि
जो लोग प्रभावित है वहाँ पे उनको मुआवजा दिया जाएगा ऐसा कहना है प्रशासन का। लेकिन मंगलवार बीते दिन देवप्रयाग में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री नरसिंह रावत आज वहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुँचे। हालांकि उन्होंने जिलाधिकारी युवा श्रीवास्तव को भी निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी प्रभावित लोग हैं सभी को जल्द से जल्द सहायता दी जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।